गाइस, वेलकम टू द चैनल। और आज की वीडियो में आप सबका स्वागत है। एंड पहले तो सबको हैप्पी न्यू ईयर। एंड आई होप कि जो ये साल है आप सबके लिए बहुत अच्छा निकले। एंड जो स्टूडेंट्स के लिए आना चाहते हैं या फिर यूरोप के किसी भी कंट्री में आना चाहते हैं फॉर देयर स्टडी, सो उनकी जो ये ड्रीम है विशेज वो पूरी हो। एंड आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इटालियन एग्जाम पैटर्न्स के बारे में और इटालियन स्टडी पैटर्न और क्लास की पैटर्न कैसे वर्क करती है। एंड वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम नितिल कुमार श्रीवास्तव है एंड मैं यूनिवर्सिटी ऑफ मेसिना के स्टूडेंट हूँ। आई मेक वीडियोज ऑन इटालियन स्टडी वीज़ा एंड ऑल्सो ऑन यूरोपियन स्टडी वीज़ा। लाइक इफ यू वॉन्ट टू कम टू सम अदर यूरोपियन कंट्री रादर देन इटली, देन यू कैन ऑल्सो गो टू माई चैनल। यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ वीडियोज रिगार्डिंग डिफरेंट कंट्रीज। सो आज की वीडियो होने वाली है बेसिकली इटालियन एग्जाम पैटर्न, इटालियन क्लासेस के बारे में कि कैसे यहाँ पे कंडक्ट होती है, क्या अटेंडेंस कंपलसरी है, क्या आपको कितने क्रेडिट्स लाने होंगे, कब एग्जाम्स होती है और एग्जाम्स किस फॉर्मेट में होती है, कैसी एग्जाम्स होती है, सब चीज़ के बारे में बात करने वाला हूँ। तो आइए शुरू करते इस वीडियो को। तो पहले मैं बात करने वाला हूँ यार कि यहाँ पे जो सेमेस्टर्स होती हैं दो होती हैं एज यूजल अपने इंडिया और इंडिया और पाकिस्तान की तरह जो सेमेस्टर्स होती हैं वो दो होती हैं। तो एक साल में आपकी दो सेमेस्टर्स होगी एंड हर सेमेस्टर जो होगा जो फर्स्ट सेमेस्टर होगा वो आपकी स्टार्ट होगी एट द एंड ऑफ सितंबर और सम टाइम इन यू नो इन द स्टार्टिंग ऑफ सितंबर और कभी स्टार्टिंग ऑफ अक्टूबर में भी होता है और वो एंड होगी एंड ऑफ दिसंबर में फर्स्ट सेमेस्टर। एंड एग्जाम्स होगी आपकी जनवरी में और बीच में जनवरी में एग्जाम्स हो जाती है और एग्जाम्स के बाद आपको एक मंथ का गैप मिलता है, एक डेढ़ मंथ का, एंड देन आपकी मार्च से क्लास अगेन रिज्यूम होती है। और जो सेकेंड सेमेस्टर रिज्यूम होती है वो मार्च से होती है और वो चलती है आपकी मई इन तक, एंड फिर एंड देन अगेन जून में एग्जाम होती है और फिर आपको समर ब्रेक मिलता है एंड देन अगेन आपकी जो एज यूजल सेमेस्टर होती है वो चालू हो जाती है इसी फॉर्मेट पे। तो यहाँ पे सेमेस्टर्स का सीन है। अगर मैं बात करूँ क्रेडिट्स के बारे में कि आपको कितना क्रेडिट आपको लाना पड़ेगा, तो मैं पहले बता दूँ बैचलर कोर्सेज में इटली में जो एक ईयर में क्रेडिट्स है वो 60 है, सेकेंड ईयर में 60 है, थर्ड ईयर में 60 है, तो टोटल क्रेडिट 180 होती है। एंड आपको हर सेमेस्टर में 30 क्रेडिट की एग्जाम होगी और 30 में से आपको 18 नंबर लानी होगी फॉर बैचलर्स, ओके। एंड ऑल्सो फॉर मास्टर्स आपको हर सेमेस्टर में 30 नंबर की 30 क्रेडिट की एग्जाम होगी और 30 क्रेडिट से आपको 18 लाना होगा पास करने के लिए। एंड पीएचडी का बात करूँ जो यहाँ पे 3 साल की होती है पीएचडी और मास्टर्स 2 साल की होती है, तो मास्टर्स की टोटल क्रेडिट आपको 120 होती है, बट पीएचडी की जो टोटल क्रेडिट होती है वो होती है आपको 180 होती है, क्योंकि यार यहाँ पर जो पीएचडी होती है वो 3 साल की होती है। तो अगर आप इटली में पीएचडी के लिए आते हो तो आपको 3 साल की पीएचडी करनी होगी और यहाँ पे जो जो ईच ईयर में उसकी क्रेडिट होती है वो 60 होती है और फर्स्ट सेमेस्टर में 30 होगी। एंड अगर मैं बात करूँ आपको हर सेमेस्टर में, चाहे आप बैचलर्स के लिए आ रहे हो, चाहे आप मास्टर्स के लिए आ रहे हो, चाहे आप पीएचडी के लिए आते हो इटली, आपको हर सेमेस्टर में 18 आउट ऑफ 30 लाना पड़ेगा टू पास एन एग्जाम। सो ये आपको करना पड़ेगा। एंड इसके अलावा आपको थेसिस इंटर्नशिप्स होती हैं हर कोर्स में, हर हर डिग्री प्रोग्राम में आपको थेसिस करना होगा कंपलसरी। जैसे अगर मैं मेरा बात करूँ तो मेरा 200 घंटे का कंपलसरी इंटर्नशिप है जो मुझे अपने थर्ड ईयर में करना होगा एंड बीच में कई सारे थेसिस भी होते हैं। सो ये चीज़ आपको फॉलो करनी पड़ेगी यहाँ, क्योंकि ये कंपलसरी होता है करना। एंड ये जो चीज़ है वो आप इटली से भी कर सकते हो और यूरोपियन अदर नेशन से भी कर सकते हो थेसिस और इंटर्नशिप। बेसिकली आपको यहाँ पे इरास्मस का अपॉर्चुनिटी तो मिलता है, इरास्मस के साथ साथ आपको कुछ और भी एक्स्ट्रा थेसिस करने को, इंटर्नशिप्स करने को अपॉर्चुनिटी मिलते हैं दूसरे देश जाके कुछ पर्टिकुलर टाइम और पीरियड के लिए। एंड अगर मैं बात करूँ कि यार अगर आप इटली आने के बाद अगर आपको ये सब चीज़ों को अच्छे से समझना है तो आप कैसे समझोगे, देखो पहले तो आप वीडियोस देख सकते हो, जैसे मेरी वीडियोस अभी मैंने बनाया देख लो, और भी लोगों की वीडियोस पढ़ी। अगर आपको ज़्यादा क्लेरिफिकेशन चाहिए तो आप इटली जब आते हो तो हर यूनिवर्सिटी की अपनी वेलकम पॉइंट ऑफिस होती है फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट, सो यू कैन गो देयर, यू कैन आस्क देम, देयर आर स्टूडेंट एम्बेसडर फ्रॉम ईच डिपार्टमेंट, सो यू कैन आस्क
टू दी एम्बेसडर्स दैट आई वॉन्ट टू नो अबाउट आवर पर्टिकुलर कोर्स क्रेडिट, आवर सिलेबस, आवर यू नो आवर कोर्स स्ट्रक्चर, एवरीथिंग. यू कैन आस्क देम एंड दे विल गिव यू रिप्लाई, दे विल आंसर यू बिकॉज इट्स देयर वर्क टू डू. सो आप ये कर सकते हो. एंड देखो आप अगर मैं बताऊं कि आपको पता करना है डिजिटली कि कैसे ये सब चीज़ वर्क करती है, आप कहाँ से एग्जाम्स बुक कर सकते हो, कहाँ से अपना सिलेबस देख सकते हो, तो यार जैसे हर यूनिवर्सिटी की अपनी ऐप होती है, ऐप पे जाओगे आपको यूनिवर्सिटी आपकी लॉगिन आईडी देगी. जब आपकी इनरोलमेंट हो जाएगी यूनिवर्सिटी में, वो लॉगिन आईडी से आप ऐप को एक्सेस करोगे एंड देन आफ्टर वहाँ पे सबको मिलेगा. जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ मेसिना की ऐप यूनिमी है, वहाँ पे जब आप एक्सेस करते हो तो आपको सब चीज़ प्रोवाइड करते हो. उसमें हर चीज़ मेंशन होता है कि आपकी क्लासेस कब से चलेंगी, आपकी एग्जाम्स कब है, आपको एग्जाम्स कब बुक करनी है, सारी चीज़ मेंशन रहती है क्लियरली वहाँ पे. एंड मैं आपको बता दूं यहाँ पे जो सब्जेक्ट्स होती है, हर कोर्स में कुछ मैंडेटरी सब्जेक्ट्स होती हैं जो कि आपको पढ़नी है एंड देयर आर सम इलेक्टिव सब्जेक्ट्स टू. सो इट्स ऑन यू व्हेन यू विल इनरोल्व योर सेल्फ, व्हेन यू विल डू योर फिजिकल इनरोलमेंट एट द यूनिवर्सिटी, देन आपको वहाँ पे थोड़े दिन बाद या फिर थोड़े समय बाद आपको इसका भी एक्सेस मिल जाएगा कि यू हैव टू चूज योर इलेक्टिव सब्जेक्ट्स. There will be the list of some subjects in your course and you have to choose one elective subjects or two elective subjects. So it's on you. आप choose कर सकते हो. And अगर मैं lectures का बात करूँ तो यार यहाँ पे Italian lectures वो depend करता है आपके professor के ऊपर, आपके course की nature के ऊपर कि वो कैसे professor conduct करता है और कितना intensive आपका course है. अगर आपका course थोड़ा easy है, syllabus कम है, तो आपकी जो classes होंगी एक दो घंटे की होंगी. ज़्यादा इंटेंसिव कोर्स के लिए आप आते हो वहाँ पे, ज़्यादा बड़ी आपकी सिलेबस है, तो आपकी मे बी जो क्लासेस है वो 3-4 घंटे की भी हो सकती हैं, एक क्लास की मैं बात कर रहा हूँ. सो इट डिपेंड्स ऑन प्रोफेसर ऑन योर और ऑल्सो इन योर कोर्स. एंड अगर मैं बात करूँ कि आपको कहाँ से मालूम चलेगा आपकी क्लासेस की टाइम टेबल, तो जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया कि आप हर यूनिवर्सिटी की ऐप है तो वहाँ से आप एक्सेस ले सकते हो, नहीं तो आपको प्रोफेसर खुद मेल करेंगे आपके रजिस्टर्ड मेल आईडी पे कि आज मैं क्लास नहीं ले सकता बिकॉज ऑफ दिस, सो आपकी क्लास इस दिन होगी या फिर कल अपनी क्लास इतना बजे आपको आना है. हर चीज़ आपको मेल पे रिस्पॉन्ड करेंगे खुद, सब स्टूडेंट्स को भेजते हैं. दे विल सेंड अपडेट्स रिगार्डिंग देयर क्लास, देयर यू नो एग्जाम पैटर्न्स, about their anything that they want to conduct in your particular class. So they will send you email, okay, and they will also let you know that when you have to do this or that. So they will send email regarding this on your registered mail ID. And यहाँ पर जो classes होती हैं वो physically होती हैं. कोविड के टाइम पर डिजिटली होता था, अभी फिजिकली हो रही है ऑलमोस्ट. कुछ यूनिवर्सिटी में डिजिटली भी हो रही है. डिजिटली इन द डिजिटली का मतलब है कि यार आप ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हो एंड आप ऑफलाइन भी ले सकते हो. और सबसे बेस्ट पार्ट यार इटली मैं बताता हूँ आपको, आपको एक एग्जाम को पास करने के लिए आपको 3 चांसेस मिलेंगे. सो यू आर गोइंग टू गेट 3 चांसेस टू पास एन पर्टिकुलर एग्जाम. एंड यू नो द बेस्ट पार्ट इज दैट If you will fail in one exam, then it is not going to be mentioned in your degree that you have failed in one exam, then again you have went for re-attempt. ऐसा कुछ नहीं होगा कि आप पहले फिर से re-attempt के लिए गए थे, आपकी degree में कुछ ऐसा mention नहीं होगा. So सबसे best part है Italian education system की, यहाँ पे आपको 3 chances मिलते हैं कि exams को pass करने में. आप पहला chance miss कर सकते हो, दूसरा दे सकते हो, ठीक है. एंड ओवरऑल और रिटन एग्जाम्स होती है, डिपेंड करता है प्रोफेसर्स के ऊपर, अगेन ऑन द नेचर ऑफ योर सब्जेक्ट. बट मोस्टली जो थीसिस बेस्ड स्टडीज होती हैं उनकी ओरल एग्जाम्स होती है. जैसे कि मेरी थ्योरी बेस्ड स्टडी है तो ओरल एग्जाम्स होती है मेरी मोस्टली. एंड वो आपको प्रोजेक्ट्स करवाते हैं, असाइनमेंट्स करवाते हैं, उसके बेसिस पे भी आपको मार्क्स देते हैं. अब जो एग्जाम्स के जो पेपर्स होते हैं, बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन आता है भैया एग्जाम पेपर्स कैसे होते हैं. तो एग्जाम्स की पेपर MCQs होती हैं, 1 or 3 line आंसर होती हैं और सब्जेक्टिव आंसर होती हैं. वो डिपेंड करता है अगेन आपकी कोर्स के ऊपर, अगेन आपका प्रोफेसर कैसे कंडक्ट करवाता है. एंड यार अटेंडेंस तो कंपलसरी नहीं है इटली में. जो सबसे इंपॉर्टेंट बात सबकी रहती है कि भैया क्या अटेंडेंस कंपलसरी है इटली में, अटेंडेंस तो कंपलसरी नहीं है. बट द थिंग इज दैट ब्रो, इफ यू विल गो टू क्लास रेगुलरली, अगर आप
अटेंडेंस, सॉरी, आप अगर प्रोफेसर्स के नज़र में रहोगे देन वो बेटर है आपके लिए, क्योंकि वो एग्जाम्स के टाइम पे आपको नोटिस पहले से वो कर चुके हैं, एग्जाम्स के टाइम्स पे आपको इजिली पास कर देंगे. इजिली इन द सेंस कि आप अगर आप थोड़ा बहुत भी आप गड़बड़ाते हो अपने पेपर में हल्का फुल्का 1-2% तो वो इग्नोर कर देंगे, वो आपको अच्छे क्रेडिट्स देंगे. दैट्स वाई आप क्लास जाओ, उनके नज़र में रहो. एंड यही है बेसिक फंडा अच्छे क्रेडिट्स लाने का भी, अलॉन्ग विथ योर हार्डवर्क. सो मैंने ऑलमोस्ट सारा चीज़ के बारे में बता दिया कि कैसे हर चीज़ वर्क करती है इटली में. क्रेडिट के सिस्टम के बारे में बता दिया, एग्जाम्स के बारे में बता दिया मैंने आपको, बता दिया लेक्चर्स कैसे कंडक्ट होते हैं, आप कहाँ से आप सब चीज़ का इन्फॉर्मेशन ले सकते हो. एंड छोटा सा चीज़ मैं यहाँ बताना चाहता हूँ आपको कि अगर आपको सेशंस कंडक्ट करनी है मेरे साथ रिगार्डिंग इटालियन स्टडी वीज़ा और यूरोपियन स्टडी वीज़ा, देन आप अपना सेशन बुक कर सकते हो नीचे दिए गए लिंक से. एंड दूसरी चीज़ कि अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए, सर्विसेज चाहिए, तो आप भी आप हमको कांटेक्ट कर सकते हो. वो भी आपकी आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो, या फिर आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो. ठीक है, मैं वहाँ पर लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, उधर भी कांटेक्ट कर सकते हो. एंड सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यार कि अपनी जो है यूट्यूब की फैमिली है काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रही है. एंड इसके लिए बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ आप सबका. थैंक्स टू ऑल ऑफ यू गाइज, एंड कीप सपोर्टिंग मी. और मैं कोशिश करूँगा रेगुलर वीडियोज़ अब डालता रहूँ, बिकॉज ऑफ सम टेक्निकल इशू मैं डाल नहीं पा रहा था 5-6 दिन, ऑलमोस्ट 7 दिन हो गया. बट अब रेगुलर वीडियोज़ आएंगी, आप प्यार देते रहे ऐसे ही साथ बनाए रखें. एंड फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखें.